क्वेश्चन था और मैंने एक सवाल पूछा था मुबशिर साहब, वो बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। मैं आपको एक बात बताऊँ कि नॉट ओनली आफ्टर द प्रोग्राम बट ड्यूरिंग द प्रोग्राम एज वेल उनकी आपस में दोस्तियाँ रहती हैं। कई होते हैं, कई होते हैं कि जिनके वो जो है वो नहीं बैठ सकते, कई बैठते भी नहीं एक दूसरे के साथ, वो पहले आपको पता चल जाता है। लेकिन जहाँ तक मेरे शोज का ताल्लुक है उसमें नॉर्मली मेहमानों की आपस में लड़ाई नहीं होती, सिर्फ मेरी होती है मेहमान से लड़ाई, तो जरा सा डिफरेंट है। फिर आप बहुत सी ऐसी बातें भी उनसे करते होंगे जो उनको जरा अच्छी नहीं लगती होंगी। नहीं, करनी पड़ती है। बात यह है कि हम पब्लिक का ओपिनियन उनको दे रहे हैं ना, हम वो सवाल पूछ रहे हैं जो पब्लिक पूछना चाहती है, या एम्बिग्विटीज़ है कहीं पे। नॉर्मली लड़ाई कहाँ भी होती है, मैं आपको बताता हूँ एंकर की, कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये आपके ड्रेस का रंग क्यों, और आप कह रहे हैं मेरे मियाँ ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, मेरे ससुर ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, मेरी सास ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। एक मिनट, ड्रेस का रंग क्या? मैं आपको बताते चलूँ, हमेशा मेरे लोग ऊपर तंकीद करते हैं लोग, लेकिन वो ये बोल भाई ड्रेस का रंग क्या है। आपकी बात का जवाब नहीं देते जो एग्जैक्ट आप कुछ तो ऐसे लोग हैं उनके लिए मैं कैसेट बनाकर रख सकता हूँ कि 17 मिनट उन्होंने अपनी पार्टी और अपने लीडरों की कुर्बानी की बात करनी है, इन्होंने 11.5 मिनट उनके खिलाफ और 6.5 मिनट अपने लीडरों के लिए बात करनी है, उसके बाद सवाल का जवाब शायद कहीं आए। अच्छा, आपसे पूछना चाहूंगी कि ये बीवियां शक क्यों करती हैं अपने खावन? बीवियां वैसे बड़ा शक करती हैं। और ये करती भी है या नाटक करती है? कोई नाटक वाटक नहीं है। एक मौके भी बड़े देते हैं। एक दफा जो है ना वो अल्लाह करे ऐसा भी हो। एक दफा ना चंगेज खान जंग लड़ने गया, महीने के बाद आया तो बीवी ने कहा किधर गए थे? उन्होंने कहा मैं जंग लड़ रहा था। कहती नहीं, जंग तो तुमने शुरू कराई थी, लड़ तो कोई और। तो ये एक यूनिवर्सल वो है और आई थिंक दैट इज पार्ट ऑफ द ब्यूटी एज़ वेल। बट देन देयर आर सम मेन हु ड्राइव देयर वाइव्स मैन। नो, अ लॉट ऑफ देम, या दे डू, लॉट ऑफ देम। सो द वाइव्स आर नॉट ऑलवेज रॉन्ग, यू गर्ल्स आर राइट। यस, भागो करो। सो इट्स बेसिकली अ पॉलिटिकल थिंग बिटवीन यूएस एंड पाक रिलेशंस एंड व्हाट वेंट रॉन्ग, इट इज। अच्छा, सियासतदानों के बारे में हमारी आवाम की, लोगों की एक अमूमी राय यह है कि ये लोग अपने असली चेहरे को कई बनावटी चेहरों के पीछे छुपा के रखते हैं, इज इट ट्रू? मेरा ख्याल है सियासतदान हमारे ज़रा इतने बुरे नहीं है जितना हमने बना लिया हुआ है, और ये एक अनफेयर सी बात है। हम पूरा मुआशरा ही हम बनावटी चेहरों के पीछे है। हम कम झूठ बोलते हैं, यानी आपस में भी, घरों में भी, और ख्वातीन एक दूसरे को मिलेंगी दिल से नफरत हो रही होगी दूसरे के जोड़े से, लेकिन 15 मिनट तारीफ करनी है, और जितनी देर लंबी तारीफ करते मुझे उसे पता चल जाता नहीं ये अब हाँ, हो गया। तो ये सारा बनावट ही है ना। एक कॉल है हमारे से दुबई से, आगे इजाजत है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, दुबई से बात कर रही है? जी हाँ बिल्कुल, मैं यूएई से बात कर रही हूँ, तकरीबन 1 घंटे से आपकी कॉल मिला रही हूँ। आई एम सो सॉरी, नाम बताइएगा। मेरा नाम शादी तारिक है। अच्छा जी, अलेन से बात कर रही हूँ मैं जी। क्या कहेंगी पहले तो आप ये बता दीजिए, उसके बाद मुबशिर लुकमान साहब बैठे उनसे बात कीजिए। मुबशिर भाई से तो मुझे एक ही बात करनी कि जो औरतें अपने खावन पे शक करती हैं ना वो समझे उनके अंदर कोई कमी है। True. और जो मियाँ आपके साथ पूरा टाइम गुजारता है और पूरा दिन देता है तो आप उस पर शक करके आप अपनी लाइफ को डिस्टर्ब कर रही हो। ये सही बोला, ये बिल्कुल सही बोला है आपने। और आपको मैं एक बात बताऊं कि असल में मे बी आपके शहर का असर है। अलैन जो है ना वो इट्स अ गार्डन सिटी, तकरीबन 200 गार्डन से वहाँ पे, और शेख जायद की बर्थ प्लेस भी है। शेख जायद वाज बोर्न ओवर देयर। बिल्कुल भाई, आप जैसे माइंड के मेरे हस्बैंड भी है माशाल्लाह, और ऐसे टूट जवाब देते हैं और बंदा परेशान हो जाता है। बिलीव मी, मेरे ख्याल में इसलिए सब चॉइस भी सब करते हैं। आप फिजा माशा तो है ही शो का चार, और जितनी ये सब बैठी हुई हैं तो मैं पहले ही एक आपकी कॉल आई थी फरजाना नाम से। जी जी। तो वो कह रही थी कि गुलदस्ता, तो मैं सोची थी कि मेरी कॉल लगे तो मैं बोलूं कि नहीं, ये सब सितारे हैं और एक चार ने घेरा हुआ है। आजकल थोड़ा सा, मगर आपकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। थैंक यू सो मच, लव यू हो गया भाई आपसे तो बहुत ज्यादा। अच्छा, काले कपड़ों को हम काली घटा कह दे
इस चांद को, या फिर हम ग्रहण आजकल कुछ लगे हुए हैं, अगर आप हम इजाजत दे तो हम पूछे कोई ग्रहण आए हैं कहीं से? अल्लाह करे रहे, नजरें तो ना लगे पर नजर से बड़ा डर लगता है मुझे लोगों की, और ये जो बुरी नजर होती है ना, ये तो पहाड़ को भी तोड़ देती है। जैसे कभी किसी की नजर वजर लगती है ना, क्या करते हैं? काली मिर्चे लेते हैं या फिर लाल? मैं टोटको में नहीं हूँ, मैं अगर आदमी को ऐसा को हो सदका तो आपको वैसे ही देना चाहिए, कुछ हो ना हो, लेकिन आप सिर्फ अल्लाह ताला से दुआ मांग सकते हैं कि भाई मुझे नहीं पता क्या हुआ, बेहतर कर दो। अच्छा, आपको धमकियाँ आती हैं? जैसे नॉर्मली करंट अफेयर्स के जितने भी होस्ट हैं उनको शायद, मुझे लगता है कि धमकियाँ आती होंगी जिस तरह से आप लोग ब्लंट बात करते हैं, खास आप, तो आपको धमकियाँ आती हैं कि तुम्हारी लाश बोरी में मिलेगी अगर तुमने कल का शो किया, या कल ये तुमने फाश किया राज तो तुम्हारी लाश जो है वो सैलाब जर्दगान भटी हुई चार भाई लसबेला के पुल में बहा दूंगा, तो ऐसा कुछ होता है? नहीं, मुझे कराची से धमकियाँ नहीं आई कभी। ये है कि ये धमकियाँ आती हैं और कभी कभी लोग कोई हरकतें भी कर जाते हैं, जैसे मैंने बताया था उनको कि फायरिंग भी हो चुकी है मेरे ऊपर, बट दैट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। इस्लामाबाद से भी नहीं आई आपको धमकियाँ? इस्लामाबाद से आ चुकी हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी की तरफ से नहीं, और लोगों की। आप पे फायरिंग होगी, आपके साथ तो बैठना ही डेंजरस है। सिक्योरिटी के लिए क्या करते हैं? कुछ नहीं करते, आप पैदल कुर्सी पढ़ते हैं निकल जाते हैं ऑब्वियसली, और जो टाइम लिखा है वो तो आना ही। आपका जैसे प्रोफेशन है एक बड़ा चैलेंजिंग भी है, इंटरेस्टिंग भी है, तो आप ये चाहेंगे कि आपके बच्चों में से कोई इसको अडॉप्ट करे, या आप क्या चाहेंगे? मैं कॉन्ट्री टू पॉपुलर बिलीफ, मैं अपने बच्चों को मैं चाहता हूँ कि वो अपनी एजुकेशन कम्प्लीट करें, उसके बाद खुद डिसाइड करें उन्होंने क्या करना है, और अगर मुझे अपने काम में शर्मिंदगी हो तो मैं चाहूंगा ना कि मेरे बच्चे ना करें। हाँ, बिल्कुल। But I am very proud of what I do. लेकिन इसमें बहुत वही वाली बात है ना कि आपको बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। आपको नहीं, वो तो हर चीज में है, आप शोबिज में है वहाँ पे कम जेलसी है, आप कहीं क्रिएटिव आर्ट्स में आते वहाँ पे कहीं है, आपके दो एटॉमिक साइंटिस्ट जो है एक रिएक्टर के एक दूसरे से जेलसी में लड़ाई कर रहे होते हैं, तो जेलसी तो एक अंदर होती है इंसान के, उसका प्रोफेशन से क्या ताल्लुक है? नहीं, लेकिन कातलाना हमला, मतलब ये चीजें जरा थोड़ी, वो तो अब एक ऑड सी सिचुएशन है, बट आई एम श्योर थिंग्स विल इंप्रूव इंशाल्लाह। अच्छा, अगर आपको कोई बजट दिया जाए, कोई आपको फाइनेंस करे मूवी के लिए, और बोले कि आपने कोई ऐसी बजट, मतलब हैवी बजट मूवी है कि अगर उनको बनाने के लिए दी जाए कि कोई ऐसी औरत पर आपने मूवी बनानी है जिसकी सारी जिंदगी जो है वो ग्लैमर की वजह से तबाह हो गई है, बर्बाद हो गई है, तो आप उस फिल्म की हीरोइन के लिए किसको कास्ट करेंगे? रेशम, मीरा, ये सब? उफ प्लीज, और भी काफी सारे एक्टर। रानी मुखर्जी? ना, ये तो ऑप्शन से हट के हो रहा है। नहीं, मैं आप, हमने इन तीनों में से, मैं फाइनेंसर मैं बना रहा हूं। ना, मैं तो फाइनेंसर हूं ना, मैं हैवी बजट पे भी तो मैं डायरेक्टर नहीं हूं अपना। अपना फिर डायरेक्टर सुधी बटू ले लेना फिर। और आपने कभी सोचा आप खुद भी हीरो आ जाए मूवी में? नहीं, अपनी मूवी में। उसकी वजह यह है कि हर चीज़ का पैशन होना चाहिए करने का। मैं एक्चुअली, मुझे एंकर भी बनने का शौक नहीं था, मैं तो बाय डिफॉल्ट बनाऊँ, मैं इसलिए बनाऊँ कि मैं तो बिहाइंड द कैमरा काम करता था, और ये सारे जो कैमरामैन वगैरह आपके, दे नो मी, दे वर्क विद मी एट वन टाइम और द अदर। मैं तो समझता था जो एंकर्स हैं ये बड़े शोर, यानी इनको अपनी खुद नुमाई का शौक होता है और ये बड़े बंद संवर के बैठे रहते हैं, वो तो इसलिए मैं बना क्योंकि एक दो एंकर्स जिनको मैंने इंट्रोड्यूस किया उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर दिया, सो आई सेड कि अब मैं इनको दिखाऊंगा कि कहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, तो मैं तो उस चक्कर में बना। वो तो अलग बात है कि जब जिंदगी में पहली बारी मुझे एक फ़ैन मिला एक ATM के बाहर, और फिर दूसरा और तीसरा, उसके बाद जब कोई नहीं पहचानता तो फिर बड़ी तकलीफ होती। ATM के बाहर जो है ना, अमूमन आपको, मुझे मेरे ख्याल से आपको मीरा जी मिली होंगी, क्योंकि हुआ ये था कि उन्होंने सारे ATM ख़राब कर दिया। आपको पता है कैसे? कैसे भाई, उन्होंने कार्ड एंटर किया तो उसके बाद उसमें लिखकर आया एंटर योर पिन, ना तो उन्होंने पिन निकाल के एक घटिया लतीफ़ा है, और आप इसलिए कह रही हैं क्योंकि आप वो एंकर बन गई हैं ना, आपकी कंपेरेटर हो गई हैं। नहीं नहीं, मैं समझता हूँ मीरा में इतना हौसला है कि वो अपने ऊपर मजाक बर्दाश्त कर, बड़ी बात है, अलाउ करती है सबको, एक तो सबसे बड़ी बात। उसके अलावा बात यह है कि देयर आर लॉट ऑफ अदर सेलिब्रिटीज दैट वी हैव who are so controversial and they do not deserve the stardom they've got. No. And nobody comments on them. So she's an easy target. So everyone's picking on her. That's true. She's so confident. बिल्कुल ठीक है कि मैं उनके confidence की बात। मैंने मीरा के मुंह से आज तक किसी और की बुराई नहीं सुनी।
हम लोग के साथ ही अभी हम इनके घर भी लास्ट हम लोगों ने एक बड़ी कमेटी पार्टी थी। कितने की कमेटी पार्टी है तो बताए मगर अभी कमेटी प्लॉट की बात कर रहे हैं, खुद बात खोल रहे, मैंने भी उसे बात कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ, आप खुद पसरे फिर अच्छा प्लॉट के ऊपर बात करेंगे। और मुबश्शिर लुकमान साहब हमें कुछ फार्म और कुछ प्लॉट्स के बारे में बताएंगे खुल के, क्योंकि ही इज वेरी नीडर एंड ब्लाइंड। मगर हम फिल्मी प्लॉट्स को जरा माइनस करके इनसे पूछेंगे, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं मुबश्शिर लुकमान साहब, एक छोटा सा सिप चाय का आप भी लीजिए, आधा आवर से आहा।